आशीष के वारिस हैं हम लोग। इसलिए पास्टर साहब ने जैसे भी कहा, सब एक दूसरे को क्या करें कि हम आशीष पाए हुए हैं। और मैं कहूँ कि आप सब एक दूसरे को एक बार सब लोग बोलें कि यीशु मसीह के नाम से तुमको आशीष मिले। सब लोग बोले प्रभु ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम आशीष दें, इसलिए हमको आशीष होने का वारिस बनाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं आपकी कलीसिया में आया था जब एक छोटे से कमरे में थे। हालेलुया, वहाँ पे दूसरी बार आए तो हम लोग नीचे थे। हालेलुया, और अब की आए तो ऊपर है। मतलब हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं? स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम लोग स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हम लोग स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसकी एक ही इच्छा थी बनाने की कि मैं मेरे साथ कोई फेलोशिप संगति रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम संगति मांगता है। तो परमेश्वर ने कहा संगति रखने वाला, मिलके मैं बैठ के बातचीत करूं। और परमेश्वर अदन की वाटिका में आके अब हमारे आदि माता पिता से आदम हव्वा से मिला करता था। उसके बाद जब परमेश्वर फिर आज्ञा का उल्लंघन करके हम मनुष्य को निकाल दिया गया उस अदन की वाटिका से, उसके बाद जब फिर परमेश्वर कि हम पर कृपा हुई, हम पर दया हुई, उसने हमें अपने पास बुलाया फिर से मनुष्य को। और उसके बाद जब उसने दोबारा मनुष्य को आशीषित किया तो उसने फिर एक आज्ञा दी, आज्ञा दी। उसने अपने दास मूसा को कहा कि तुम एक वाचक का संदूक बनाना। उस वाचक के संदूक का पूरा स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद उसने कहा कि वहां पे मैं आके तुमसे मिला करूंगा, वहां पे मैं आके तुमसे बातचीत। ये नहीं कि कहीं भी यहां वहां ऐसे नहीं, एक वाचक का संदूक, वहां पे आके मैं तुमसे मिला करूंगा। और वो वाचक का संदूक ऐसा था कि उसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और जब प्रभु की प्रजा, प्रभु के लोग, इजरायली लोग उस वाचा के संदूक को लेकर चलते थे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ चलती थी, और वो जहां जाते थे वहां उनको विजय प्राप्त होती थी। वाचा के संदूक के लिए एक टेंट बनाया गया था, उस टेंट में रहता था वाचा का संदूक। उस टेंट के अंदर वाचा के संदूक को रखा जाता था, वहीं आराधना होती थी, वहीं पापों की क्षमा होती थी, वहीं सब कुछ होता था। तो वाचा के संदूक कभी यहां टेंट में, कभी वहां टेंट में, जहां जहां जाते थे। चलते 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 आखिर में परमेश्वर ने उनको एक स्थाई विश्राम दिया। उसके बाद यदि हम परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे तो दाऊद राजा के समय में, जब दाऊद राजा के समय में उस संदूक को दाऊद राजा अपने यहां लाया, उस समय दाऊद राजा के मन में एक बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ सी हुई। उसने कहा मैं तो महल में रहता हूं। परमेश्वर ने उसे चरवाहे से पहुंचाया, राजा बनाया। और जब उसको बहुत बड़ा महल रहने को मिला, उसने कहा मैं तो महल में रहता हूं और मेरा परमेश्वर कहां रहता है? तंबू में रहता है। मैं तो भवन में रहता हूं, मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है। एक उसे अपने अंदर तीस हुई तकलीफ पहुंची उसको, और तब उसने निर्णय लिया कि नहीं, जैसे मैं महल में रहता हूं मेरा परमेश्वर भी महल में रहेगा। और तब उसने परमेश्वर का एक भवन बनाने के लिए अपने मन में ठाना। हालेलुया, हम लोग कब तक चाहते हैं कि हम लोग ऐसे कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी यहां, कभी वहां आराधना करते रहे? तो ऐसे ही चाहते हैं हम लोग? हम लोग क्या चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक अपना भवन हो। हालेलुया, असंभव बात है ना, असंभव लगता है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, दाऊद राजा ने जब उस काम को अपने को समर्पित किया, जबकि परमेश्वर ने उससे नहीं भवन बनवाया, लेकिन तैयारी दाऊद राजा ने, और सबसे पहले उसने अपना सब कुछ, यदि हम मन में ठान लेंगे, यदि अपने आप को समर्पित करेंगे, यदि प्रार्थना में खड़े होंगे, परमेश्वर अवश्य हमको एक भवन देगा। हालेलुया, अवश्य एक भवन देगा। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ के साथ जा रहे थे, तो एक जगह पे भीड़ बहुत, 3 दिन हो गए और उसके बाद भोजन नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों से कहा को भोजन दो, तो उन्होंने कहा भोजन तो हमारे पास है नहीं, उन्होंने कहा ढूंढो, तो ढूंढा गया तो एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली, और तब वो 5 रोटी 2 मछली लेके यीशु मसीह के पास आए, और जब यीशु मसीह ने उसे धन्यवाद देके बांटा, तो 5,000 लोगों से अधिक लोगों ने उसे खाया और बच भी गया, 12 टोकरे ने बच भी गया। सबसे पहले क्या करना है, हमको अपने आप को तैयार करना है, हम क्या लेकर आएंगे प्रभु के पास। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि यार बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा प्रभु चाहता है ऐसा। एक बहुत बड़े पास्टर हैं, सबसे बड़े विश्व के चर्च के वो पास्टर कहलाते हैं कोरिया में, उन्होंने जब निर्णय लिया कि वो 10,000 लोगों के बैठने के लिए चर्च बनाना चाहते हैं, उनके सामने सबसे पहले सवाल आई, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। आज परमेश्वर इस कलीसे से भी पूछना चाहता है, तुम्हारे पास मेरा भवन बनाने के लिए क्या है। अभी मैं आपके इस विषय के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं वचन प्रचार करूंगा। हालेलुया, तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए क्या है, तुम्हारे लिए पास परमेश्वर के लिए क्या है। हम जोधपुर में थे, जोधपुर के अंदर चर्च बनाना था। जब चर्च बनाने के लिए तैयारी की गई, तो कलीसिया के लोगों से पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या है। उस कलीसिया के लोगों ने, प्रभु ने उनको उभारा और सबने कहा हम 1-1 महीने की सैलरी अपनी देंगे, तुम्हारे पास क्या है। जब उन्होंने 1-1 महीने की सैलरी सबने दी, उसके बाद परमेश्वर के द्वार ऐसे खोले कि बहुत जल्दी वो चर्च बन के तैयार हो गया। हालेलुया, कलीसिया के लोगों ने कहा कि हम 1-1 महीने की सैलरी देंगे, अर्थात हम अपनी तरफ से ये देंगे। जब हम प्रभु के पास अपनी तौर से लाएंगे, अभी बहुत सी गवाहियां हमने सुनी, सब चीजों को सुना, भाई ने बताया परमेश्वर आशीष दे रहा है, आशीष दे रहा है, और पूरा आकाश खोल के आशीष दे रहा है। हालेलुया, चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। एक अगर रिसोल्यूशन निकलवाने जाएंगे आप अस्पताल के अंदर, तो कम से कम 5-10 लाख रुपए आपका अस्पताल वाले खर्च करवा देंगे। एक बुखार में यदि आदमी अस्पताल में जाता है, तो खटाखट एक दिन में नर्सिंग होम वाला कम से कम 10-20 हजार रुपए का, तो यहाँ पर मैं फ्री में दे रहा परमेश्वर, फ्री में सब कुछ मिल रहा है हमको यहाँ। हालेलुया, फ्री में मिल रहा है। हम क्या देंगे? यदि आपके अंदर इच्छा है कि प्रभु का एक भवन बने, आज आपको निर्णय लेना है कि आप क्या देंगे। हालेलुया, आज आप क्या देंगे। हालेलुया, हो सकता है आपके हाथ में कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आप मन में ठानेंगे, प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया, आपको वो बीज देगा। जब आप मन में ठानोगे कि मैं ये करूंगा, तो परमेश्वर को आपको देगा और बहुत आयत से देगा। इसलिए आज सबसे पहले मैं इस चीज के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, इस कलीसिया के पास जो आत्मा से भरकर प्रभु आशीष दे रहा है, इनके पास एक अपना भवन। हालेलुया, दर्शन देखना आपका काम है, पूरा करना परमेश्वर का।
एक सेवा मैंने शुरू करी मेरठ के अंदर, कई बार हमारा दर्शन बिगड़ जाता है। मैंने वो सेवा शुरू करी, जब वो सेवा शुरू हुई तो मेरे घर तक वो सेवा शुरू हुई। पांच लोगों ने, हम लोगों ने उसको शुरू किया। पांच लोगों के बाद हम लोग को एक चर्च मिला, हमने वहां शुरू किया। एक बार चर्च देने के बाद उन चर्च वालों ने मना कर दिया क्योंकि बहुत भीड़ आ गई थी। उन्होंने कहा अब हम लोग चर्च नहीं देंगे। हम परेशान थे, प्रभु ने दूसरे चर्च का बहुत जो मेरठ का सबसे बड़ा चर्च है, ऐतिहासिक चर्च है, जहाँ पे 2500 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, वो चर्च है जहाँ पे कभी 1857 जो गदर में जहाँ पे लोगों को मारा गया था, वो चर्च है ऐतिहासिक चर्च। उसमें हम लोग को जगह मिली और मेरा दर्शन था कि 2500 लोगों से घर भरना चाहिए कम से कम। हम लोग उस दर्शन को लेके चले, लेकिन बीच में एक पास्टर आए, वो केरल से आए थे। उन्होंने सबको चेयर से उतरवा दिया और नीचे बैठवा दिया उनको। उनका दर्शन था कि 100 लोगों के लायक चर्च हमको मिल जाए और परमेश्वर ने बाद में 100-150 लोगों के लायक चर्च दे दिया। प्रभु जो दर्शन हम देखेंगे वो हमको आज हम आपको दर्शन देखना है। कितने लोगों के लिए बैठने के लिए चाहते हैं आप लोग? 1,00,000। हालेलुया, 1,00,000। प्रभु का धन्यवाद। 1,00,000 कोई बड़ी बात नहीं है। चर्च बहुत बहुत हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हैं? 1,00,000 कोई चीज नहीं है। प्रभु आपको आशीष देगा, आप प्रभु के लिए, आपको आशीष दी है, आप प्रभु के लिए करेंगे। अपना अपने मन में ठाने आपको क्या करना है। हालेलुया, अपने हाथ को ऊपर उठाएं। जो कुछ मन में ठानेंगे वो परमेश्वर आपसे पूरा कराएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू सेवियर। हालेलुया, हालेलुया। ओ वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड। महिमा 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 महिमा, आदर स्तुति प्रशंसा सब हम आपको देते हैं। ग्लोरी 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 ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ सब कुछ पूरा करने वाले पिता परमेश्वर धन्यवाद, जीवन दाता धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद के साथ आपके चरणों में समय। ओ पूरी कलीसिया प्रभु जी आ रही है प्रभु जी, हालेलुया। ओ प्रभु दर्शन के साथ आ रहे हैं परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी इस कलीसिया के लिए प्रभु जी, आपके बच्चे हैं प्रभु जी जिनको आपने इकट्ठा किया है अपने चरणों में प्रभु जी, आज उनका दर्शन है प्रभु जी। ओ एक आराधनालय के लिए प्रभु जी, एक आराधनालय के लिए परमेश्वर पिता, एक ऐसे स्थान के लिए जहां कलीसिया के लोग संगति सहभागिता करें, आपकी आराधना करें, आपको महिमा दें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी के दर्शन को आप देख रहे हैं परमेश्वर पिता, हो सकता है परमेश्वर पिता ओ उनके दर्शन के आगे उनके रिसोर्स बहुत छोटे हो परमेश्वर पिता, लेकिन आप छोटे नहीं हैं परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। हो सकता है प्रभु जी ओ प्रभु कलीसिया के पास बहुत कम संसाधन हो, बहुत कम प्रभु जी उनके पास प्रभु जी रकम हो, लेकिन आपके पास तो पूरा सब कुछ सोना चांदी आपका ही है परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु जो दर्शन लेके कलीसिया प्रार्थना कर रही है, ओ अति शीघ्र प्रभु जी, अति शीघ्र प्रभु जी, अति शीघ्र प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से द्वार खुल जाए, 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 यीशु मसीह के नाम से, 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 एक अच्छा स्थान और एक अच्छी जमीन और यीशु मसीह के नाम से, और जल्द से जल्द अति शीघ्र यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आपके बच्चों ने कुछ ठाना है अपने मन में, हो सकता है उसके लायक अभी नहीं है, लेकिन प्रभु बीज देने वाले आप हैं। भर दे प्रभु जी अपने लोगों को समृद्धि संपन्नता से, भर दे प्रभु जी, ओ भर दे प्रभु जी, भर दे प्रभु जी, उनकी आय को आशीषित करें प्रभु जी, उनकी कमाई को आशीषित करें प्रभु जी, उनकी धन संपत्ति को आशीषित करें परमेश्वर पिता। ओ शैतान किसी रीति से किसी की धन संपत्ति चुराने ना पाए प्रभु जी, कोई हानि न करने पाए प्रभु जी, ओ प्रभु जी बहुतायत से बढ़ने पाए, बहुतायत से बढ़ने पाए, बहुतायत से बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु जी जो रोजगार चाहते यीशु मसीह के नाम से उन्हें रोजगार मिल जाए, और जिनके रोजगार हैं उन
करने वो आशीषित करने उनको परमेश्वर का जिस काम में हाथ डाले उसमें उनको उन्नति मिले सफलता मिले प्रभु जी हालेलुया 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 और प्रभु आज का निर्णय हमने स्वर्ग में आपके सामने रखा है परमेश्वर का विश्वास के साथ क्योंकि आप पूरा करने वाले और सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं पास्टर प्रभु जी उनको प्रभु अपने बलवंत हाथों में संभाले प्रभु ओ जबकि वो प्रभु दुख तकलीफ पीड़ा उठा के प्रभु जी कलीसिया के लिए ओ प्रभु जी हालेलुया ओ प्रभु जी सेविकाएं कर रहे हैं प्रभु जी का जो दर्शन है आपके यीशु नाम में पूरा हो यीशु नाम में पूरा हो यीशु नाम में पूरा हो हालेलुया उनके परिवार को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद ज्यादा समय नहीं लेंगे हम थोड़ा सा समय लेंगे बस और प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है सब हाथ खड़ा करके धन्यवाद हालेलुया हालेलुया आशीष आ रही है आमीन आशीष आ रही है आमीन आशीष आ रही है आमीन प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु का धन्यवाद हो आज हमने बहुत सी गवाहियों को सुना है यहाँ पे और हमारा परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है और वो आश्चर्य करता है प्रेतों के काम में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ हमको मिलेगा कि लोग ऐसे इकट्ठा होते थे और जब इकट्ठा होते थे तो अद्भुत काम होते थे जब कलीसिया नई नई बनी थी अद्भुत काम होते थे लोग बीमारों को लाते थे ठीक हो जाते थे चंगे हो जाते थे यीशु मसीह एक ऐसी शख्सियत है जो केवल एक देश की नहीं है एक सूबे की नहीं है वो समस्त संसार कहते हैं हम लोग एक ही परमेश्वर है क्या कहते हैं एक ही परमेश्वर है परमेश्वर सबसे पहली बात परमेश्वर है रघुवचन कहता है विश्वास करने वाले को क्या विश्वास करना है परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है ब्रानियो 11 6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है एक वचन पढ़ेंगे हम पहला तिमुथियुस 2 उसका 5वां पद क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है हालेलुया परमेश्वर एक ही है हमारी बाइबल बताती है बहुत ढेर सारे परमेश्वर नहीं है बहुत ढेर सारे परमेश्वर नहीं है कि हमने यहाँ भी जाके सर झुका लिया वहां भी जाके सर झुका लिया वहां भी जाके सर झुका लिया वहां भी जाके सर झुका लिया बाइबल बोलती है परमेश्वर क्या है एक ही है हालेलुया परमेश्वर एक ही है और उस परमेश्वर को जिसे हम देख नहीं सकते परमेश्वर को हम देख नहीं सकते उस परमेश्वर को एक शख्सियत ने इस धरती के ऊपर प्रकट किया और वो कौन थे यीशु इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और बिचवई बिचवई मतलब हमारे और परमेश्वर के बीच में संबंध वाले बनाने वाली कड़ी क्या है केवल एक ही है यीशु मसीह है उसके अलावा कोई केवल एक परमेश्वर है और एक ही यीशु मसीह है तो मनुष्य के रूप में दुनिया में आए इस दुनिया में रहे इस दुनिया में रह के उन्होंने प्रकट किया कि परमेश्वर कैसा है प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को और वही परमेश्वर के बीच में हमारे और परमेश्वर के बीच की कड़ी यीशु मसीह अभी हम लोगों ने जब बहुत सी गवाहियों को सुना बहुत से काम हमने बताए कि परमेश्वर ने किए परमेश्वर ने किए लेकिन यीशु मसीह क्या केवल
दुनिया में आए थे? यीशु मसीह क्यों आए थे दुनिया में? यीशु मसीह इसलिए आए, प्रभु यीशु ने कहा मैं इसलिए आए कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वचन में लिखा है परमेश्वर की जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। ये सब चीजें तो आशीष है ही हमारे लिए। रोग बीमारी से चंगाई, धन संपत्ति पे आशीष, ये सारी चीजें तो है। इसकी सबसे बड़ी आशीष क्या है? इस दुनिया की दो सच्चाई, तुम कहते चलो तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या है? यीशु मसीह का मार्ग सत्य और जीवन सत्य यीशु। लेकिन इस दुनिया की दो सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है और एक है मृत्यु और एक है जीवन। यीशु मसीह इस दुनिया में बहुतायत का जीवन देने आए, मतलब बहुतायत का जीवन मतलब अनंत जीवन देने आए। और वो जीवन केवल ये नहीं कि हम इस दुनिया में रह के अपने रोग बीमारी तकलीफों से चंगाई पाके बस इतने ही तक नहीं। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन रोग जो छह उसका 23 पद। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु एक सच्चाई है, हम सबको उससे गुजरना है, कोई भी उससे नहीं बच सकता। लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने हमारे लिए क्या इंतजाम किया कि उस मृत्यु से पार करने के लिए हमारे लिए उसने अपने इकलौता पुत्र। अभी एक घटना हुई है, 3 दिन पहले 4 दिन पहले की बात है। हमारे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, बीमार थी कई दिनों से, उनका देहांत हुआ, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनका देहांत हुआ। लेकिन देहांत होने से कुछ क्षण पहले उन्होंने अपने पति से कहा मेरा परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बहुत महान है, उससे प्यार करता है, तकलीफ में है, मालूम है कि अब जिंदा नहीं रहूंगा। और मेरे परमेश्वर ने मुझे सबसे बड़ी आशीष दी है, उसने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। मौत की शैया पे किस आशीष के लिए बताया उन्होंने? उसने मेरा उद्धार किया, उसने मेरा उद्धार किया। हम लोग यहां एक बहन दवाई देती, प्रभु ने मेरे घर का उद्धार किया। उद्धार से क्या समझते? ठीक है हमारी बीमारी, हमारी पति की समस्या, घर की समस्या, लेकिन उद्धार के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि हम विश्वास करें कि इस जीवन के बाद एक जीवन, इस जीवन के बाद एक जीवन है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब ही हमको वो जीवन मिलता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी वो हमको जीवन मिलता है। हम लोग पढ़े यूहन्ना 11 हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान, पुनर्जन्म की बात यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। बाइबल ये नहीं सिखाती हमको कि हमारे मरने के बाद हम चूहा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे,
कुत्ता बनेंगे, हाथी बनेंगे, शेर बनेंगे, बाइबल हमको यही सिखाती है। बाइबल हमको बताती है हमारा पुनरुत्थान होगा। क्या होगा? पुनरुत्थान मतलब हम मरेंगे नहीं, हम जी उठेंगे। आमीन। हमको दूसरी देह मिलेगी। हालेलुया। हम कुत्ता बनने नहीं बनेंगे, हमको स्वर्ग देह मिलेगी। हालेलुया। हमको स्वर्ग देह मिलेगी। जो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे स्वर्ग देह मिलेगा। वो नरक में नहीं जाएगा, अग्नि में नहीं जाएगा, कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा, उसे स्वर्ग देह मिलेगा। ये है मसीही विश्वास, यही है मसीही विश्वास। उस बहन ने आखिरी में क्या कहा, मृत्यु के क्षण में कहा, तीन दिन पहले की बात है, क्या कहा? परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। आज यही उद्धार की लालसा हमको यदि नहीं है तो प्रभु का वचन कहता है हम इस दुनिया में से हमसे अभागा व्यक्ति कोई। प्रभु जैसे काम हमारे जीवन में करेगा, हमको आशीष देगा, हमको धन दौलत देगा, हमको रोग बीमारियों से चंगाई देगा, लेकिन सबसे बड़ी आशीष वो हमको क्या देगा? हमको अनंत जीवन देगा। अभी पिछले बार 18 तारीख को मुझे आना था, जब 3 दिन पहले मैंने कहा मैं 3 दिन का उपवास करता हूँ, उपवास पर रहूंगा, प्रार्थना करूंगा, और मैं पहले ही दिन प्रार्थना कर रहा था, उपवास के समय में प्रार्थना करके मुझे कहीं जाना था। मैं जैसे ही निकला घर से बाहर, कुछ दूर गया एक बाजार के अंदर, वही मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम किसने मारा, कहाँ मारा, और मुझे ये भी नहीं मालूम मैं पत्नी के ऑफिस कैसे पहुंच गया, गाड़ी चला के पहुंच गया मैं स्कूल। हालेलुया। लेकिन उसके दूसरे ही दिन हमने पेपर में पढ़ा कि दो लेडी का वहीं पर एक्सीडेंट हुआ, उसमें से एक उसके बाद ही एक हफ्ते बाद पता चला कि एक भाई का एक्सीडेंट हुआ, हमारे एरिया में रहते हैं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे, लौट रहे थे, किसी ने मार दिया, उनकी भी मृत्यु हो गई। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, प्रभु आपने इस मृत्यु से बचाया मुझे। लेकिन उससे बड़ा धन्यवाद का विषय क्या है? प्रभु ने मुझे अनंत मृत्यु से बचा लिया। प्रभु ने मुझे अनंत मृत्यु से बचाया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब तक हम इस सच्चाई को पकड़े नहीं रहेंगे ना, तब तक शैतान हमको घूसे मारेगा। अभी मैंने प्रार्थना की, इन्होंने ये लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं और क्योंकि उन्होंने उद्धार को नहीं प्राप्त, उस उद्धार को नहीं, उस उद्धार को प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। अन्यथा हमारे लिए इस विश्वास में रहना, हर इतवार को आना, नाचना गाना सब कुछ करना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा जब हमारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होंगे। तब यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि अब तो हमारे हाथ में दुष्ट आत्माएं भी हमारी आज्ञा मानती हैं, तो ये खुश हो रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा इससे खुश मत हो, इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। खुशी का विषय क्या होना चाहिए हमारा? हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, हमारे अंदर ये एक दृढ़ निश्चय आ जाना चाहिए कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में उद्धार जरूरी है। और उद्धार पाने के लिए क्या हम पढ़ लें एक मरकुस, मैं जल्दी से खत्म करूं। केवल आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं मैं कि आप उस धन को प्राप्त करें जिससे आप मसीह जीवन में स्थिरता प्राप्त करें, मसीह जीवन में सामर्थ्य प्राप्त करें, मसीह जीवन में आप प्रभु के उन आशीषों को प्राप्त करें जो सच्चाई के साथ वो आपको देना चाहता है। मरकुस 16 पद पढ़े और 17 पद पढ़े। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले
उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। विश्वास करे और बपतिस्मा, मैं नहीं कह रहा, ये कहां लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ सच्चाई है। बीमारी से चंगाई के बाद हमारा उद्धार नहीं होगा। बाइबल तो ये कह रही है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और उसके पास खुद ये चिन्ह हो जाएंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेगा और वो ठीक हो जाएगा। आमीन। मेरे बेटे को कुछ महीने पहले, करीब एक साल पहले, अचानक उसने कहा, पापा देखिए मुंह में कुछ हो रहा है। देखा तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। उन्होंने कैसे, वो क्या जिम गया था वहां पे, लगा था मुझे, और हम लोग बहुत परेशान थे। उसका सीटी वगैरह सब करवा दिया। उसके बाद उसको लेकर हम आए हुए थे दिल्ली, उसका शो था उसमें, और मैंने थी इनको मैंने बताया, तो मैं बाहर था, मैं उसके शो में नहीं था, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो निरुपमा में हमने कहा अंकित को बुलाओ, मैं प्रार्थना करूँ, और हमने अंकित को बुलाया उसके शो में से। वो आया और रिपा मैम ने उसके ये प्रार्थना की, उसके कान पे अपना मोबाइल रखा और उन्होंने प्रार्थना की, हालेलुया। और तीन दिन के बाद ही उसका दूसरे दिन से क्या हो गया, चेहरा बिल्कुल, धन्यवाद। तीन दिन के बाद उसका चेहरा, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं होना पड़ा, और वो उसका चेहरा। विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह है। हम केवल चंगाई पाने के लिए यहां आएंगे नहीं, हम चंगाई देने वाले बनेंगे। हम चंगाई देने वाले बनेंगे। हम जहां जाएंगे आशीष हमारे साथ जाएगी। हालेलुया। लेकिन शर्त क्या है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार। निर्णय लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए, अन्यथा हम अपनी आशीषों को खोते जाएंगे। जो हमें मिलनी है वो हमसे दूर होती जाएंगी, डिले होती जाएंगी, हमारी पहुंच से दूर होती जाएंगी, और शैतान को मौका मिलेगा हमें भरमाने का, हमें कष्ट देने का, हमें तकलीफ देने का, हमें बीमारियों में डालने का शैतान को मौका मिलेगा। तो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। मसीही जीवन केवल यहां रहके ही खुश रहने वाला जीवन नहीं है, ये विश्वासी जीवन है आपका, जो ये अनंत काल तक का जीवन है। जब तक आप देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, वहां तक का जीवन है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने वाला जीवन है, परमेश्वर के राज में रहने वाला जीवन है। और वो राज कैसा है मालूम है आपको, एक वचन पढ़े में प्रकाशित बात, उसका 21वां अध्याय, उसके 3 और 4 पद को पढ़े। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, वह उनकी आंखों से सब आंसू बोझ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी,
और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेंगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारा दर्शन, ये है हमारी पहुंच। परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर का डेरा हमारे साथ रहेगा और वहां पे आंसू नहीं होंगे, वहां कोई दुख नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। कुत्ता बनेंगे तो क्या करेंगे, डंडे खाएंगे। गधा बनेंगे तो क्या, धोबी के गधे बनेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर के साथ एक विश्वासी, एक यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा, एक नया जीवन प्राप्त करेगा, एक अनंत जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर के साथ रहेगा और ना वहां आंसू होगा, ना पीड़ा, ना कैंसर, ना डायबिटीज है, ना गठिया का रोग, ना कोई भी प्रकार का कोई भी तकलीफ वहां पे नहीं रहेगी। ये है असली विश्वासी जीवन की आशा। जब तक हम अपनी इस आशा को नहीं पकड़े रहेंगे, हम शैतान के द्वारा सताए जाएंगे। लेकिन जब हम इस आशा को पकड़ के चलेंगे, कोई गठिया हमें तकलीफ नहीं करेगा, घुटने का रोग हमें तकलीफ नहीं करेगा, कोई कैंसर हमें तकलीफ नहीं करेगा, कोई रोग बीमारी हम पर हावी नहीं होगी, हम पर वो प्रभुता नहीं करेगी, सब कुछ जब हम इस विश्वास में दृढ़ होंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रभु आश्चर्य कर करके हमारे इस कलीसिया को बढ़ा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को कर रहा है प्रभु। प्रभु का धन्यवाद हो। और करेगा, हालेलुया, और करेगा, हालेलुया। इस कलीसिया को, इस शहर के लिए एक बड़ी आशीषित कलीसिया बनाने प्रभु जा रहा है। हजारों लोग आएंगे और प्रभु को पाएंगे, हजारों लोग आएंगे और जीवन को पाएंगे, हजारों लोग आएंगे उद्धार को पाएंगे। लेकिन याद रखते हैं, हमें अपने विश्वास की दृढ़ता प्राप्त करनी है। केवल इससे कुछ नहीं होना है कि हमारा रोग चला गया, हमारी बीमारी चली गई, हमारा धन दौलत ठीक चल रहा है, ये सब होगा। लेकिन खुश इससे होने की जरूरत है, हमने अनंत जीवन पाया है। हालेलुया। जब तक ये विश्वास, ये दृढ़ता आपके अंदर नहीं आएगी, प्रभु के उस आनंद को आप नहीं महसूस कर पाओगे जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं। आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। कहता मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा। आज आपके अंदर ये डर निकल जाना चाहिए। इसका डर निकल जाना चाहिए, मरने का डर निकल जाना चाहिए। एक विश्वासी कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, आमीन। एक विश्वासी कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, कुछ भी हो जाए विश्वासी नहीं मरेगा, विश्वासी अनंत काल तक जीवित रहेगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया है। हम उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया से चले जाएंगे, कोई 20 आजकल कुछ पता नहीं होता, 20 साल पे चले जाते हैं, 30 साल पे चले जाते हैं, 40 साल पे चले जाते हैं, 50 साल पे चले जाते हैं, 80 साल पे जाते हैं लोग, 100 साल पे जाते हैं लोग। लेकिन एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन दुनिया से जाना है। अपने परमेश्वर के पास जाएंगे या नरक के आग में जाएंगे। लेकिन जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। मैं इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूं। बहुत सी कलीसियाओं में पास्टर साहब उसको जाने का मौका मिलता है, वही एक लंगड़ा चलते हुए आता है, ठीक हो जाता है। वो अपने गलत काम करता है, आता है चर्च में, ठीक हो जाता है लंगड़ा, और फिर जाता है, जब पैर मिल जाते हैं और दौड़ दौड़ के गलत काम करने लगता है। जब तक हम उद्धार के उस आनंद को नहीं प्राप्त करेंगे, उद्धार की उस स्थिरता को नहीं प्राप्त करेंगे, उद्धार के इस विषय को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इस जीवन का आनंद नहीं समझेंगे। और जब हम उद्धार के आनंद को समझ जाएंगे,
तो उस बहन की तरह जिसको मैंने बताया तीन दिन आखिरी क्षण का उसका शब्द था, मैंने उद्धार पा लिया, मैंने उद्धार पा लिया। रो नहीं रही थी, बिलख नहीं रही थी, पति का हाथ पकड़ के मुझे बचा लो, परंतु उसने कहा मैंने उद्धार पा लिया। सबसे प्रमुख चीज है हमारा उद्धार होना, अर्थात पाप मय जीवन से प्रभु ने जो हमें बचाया है वो अनंत काल के जीवन के लिए बचाया है। परमेश्वर ने जो अपने बेटे को दिया है दुनिया के अंदर वो अनंत काल के लिए दिया है, उस जीवन को प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। प्रियो, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? प्रभु का धन्यवाद हो। लगभग सब लोग हैं, यदि किसी ने भी ग्रहण नहीं किया है आज ही आपको प्रभु की उपस्थिति में जब है अपने आप को प्रभु के चरणों में रखें। वो आपके लिए आया है, आपके दुख आपकी तकलीफों को मिटाने के लिए आया है, आपको अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए आया है। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, आज आपके लिए समय है। हमें नहीं मालूम कल हमारे पास होगा कि नहीं होगा, आज समय है उसके लिए। आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुला सकते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है आप लोगों में से जो आज प्रभु यीशु मसीह को चाहता है कि वो मेरे दिल में आए, आज वो मेरा प्रभु बने, आज वो मेरा परमेश्वर बने, आज मैं मेरा वो उद्धार करे मेरे पाप में जीवन से, और आज वो मुझे परमेश्वर पिता की संतान बनाए, यदि कोई ऐसा है तो आज अपने आप को समर्पित कर दीजिए। कल आप नहीं जानते आपके पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह में होंगे तो अनंत काल आपके पास होगा। आगे अनंत काल आपके पास होगा। यदि कोई ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि आप इस आराधना के बाद पास्टर साहब से अवश्य मिलें, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप समर्पण की प्रार्थना करें और प्रभु आपको उद्धार। ऐसे लोग जिन्होंने विश्वास किया है लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है, प्रभु पूरी आज्ञाकारिता चाहता है, पूरी आज्ञाकारिता चाहता है। हमारे एक मित्र थे, वो फ्लाइट से जा रहे थे, उनको यूएसए जा रहे थे, हम लोग सोचे उनको छोड़ के गए, हम लोग सोचे वो चले गए, लेकिन बाद में देखा वो वापस आ गए थे। हम लोग क्या हुआ कि पासपोर्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी थी, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया था तो मुझे जाने नहीं दिया गया। हमारे पासपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई, हमारे पासपोर्ट में पूरी आज्ञाकारिता, पूरी आज्ञाकारिता। प्रभु का वचन में अभी हमने पढ़ा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी है। जिसने विश्वास करके बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है देर ना कर। प्रभु के समय को आप नहीं जानते। कई बार हमारी बहुत सी आशीष केवल इस आज्ञाकारिता को नहीं मानने से रुकी हुई है, कई बार हमारे श्राप पूरी तरीके से नहीं थे केवल पूरी आज्ञाकारिता के कारण। हम विश्वास करते हैं, आते हैं चर्च में सब, लेकिन नहीं हमको, क्यों? हमने पूरी आज्ञाकारिता नहीं दी। यदि हम पूरी आज्ञाकारिता करेंगे, पूरी तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, पूरी तरीके से हम जो प्रभु के वचन में लिखा उसको मान लेंगे, आप निश्चित जानिए ये वचन झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता। उद्धार करेगा, हर बात में उद्धार करेगा, आपके रोग में उद्धार करेगा, बीमारी में उद्धार करेगा, समस्याओं में उद्धार करेगा, और सबसे बढ़कर वो आपको मृत्यु से पार ले जाएगा अनंत जीवन में। आगे मतलब अपनी आंखों को बंद करें और आज एक निर्णय लेना है आपको, आज एक निर्णय लेना है कि मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिए जाए। आगे मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिए जाए।